तो जैसा हम सब जानते हैं प्रोग्राम में अब हम करीब 20 मिनट आधा घंटा जो सुबह का सत्र हुआ था उसका एक छोटा सा हिंदी में समरी कर लेंगे थोड़ी सी। उसमें मैंने हर चीज़ तो खैर पूरी डिटेल में नहीं नोट कर पाया हूँ मैं जैसे अजान ने बताया था, लेकिन उसका जो मुख्य भाव था वो मेरे पास उपलब्ध है और मैं कोशिश करूँगा कि कल जो शाम को चर्चा हुई थी वो भी मुझे लगा काफ़ी रिच थी तो उसका भी थोड़ा सा मैं कवर कर लूँगा उसको भी थोड़ा। तो दीप्ति का सवाल था आज सुबह और मेरे ख्याल से उसमें लगभग 40-50 मिनट उसी में निकले कि ये जो एक टालने की भावना होती है हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन जो है इसके बारे में हम क्या करें दोनों ही अपने धम्मा प्रैक्टिस में भी और रोज़मर्रा के जीवन में, ये उनका सवाल था मुख्य रूप से। तो इसका अजान ने काफ़ी लंबा चौड़ा जवाब दिया जो स्पष्ट बिंदु हैं उस पर भी और उसके काफ़ी उससे निकलते हुए जो बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं उनको भी उन्होंने टच किया तो उसमें अपन अब चलते हैं। तो शुरू में तो उन्होंने ये बात बताई कि मुख्य रूप से दो प्रकार के इस ये जो भाव है टालने का जो भाव है इसके सिलसिले में हम दो प्रकार के लोगों को देख सकते हैं। एक तो वैसे जो जिनमें कर्म और कर्मठता का भाव बहुत बहुत स्ट्रांग होता है तो मुझे कुछ करना है और मैं उसकी तरफ बहुत ही एनर्जी और वीर्य के साथ आगे बढ़ता हूँ। तो अजान कहते हैं जब ऐसी जो पर्सनालिटी होती है ये मुमकिन है कि उस पर्सनालिटी में इतना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक प्रतिबिंब की क्षमता विचारने की क्षमता इतनी स्ट्रांग ना हो क्योंकि कर्म का भाव बहुत स्ट्रांग है। और इसका जो विपरीत है वो ये इसका जो विपरीत भाव है वो ये हो सकता है कि एक आलस्य की भावना मन में है और चीज़ों को नहीं करते हैं उसको पोस्टपोन करते हैं वगैरह वगैरह, यह उसका कॉन्वर्स पर्सनैलिटी हो सकती है। तो इन दोनों को लेते हुए उन्होंने कई सारे अलग अलग पॉइंट्स रखे हमारे सामने। एक उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा उल्लेख किया कि जो आजीविका के आसपास के मुद्दे हैं कि मुझे अपनी आजीविका कमानी है उसके लिए पढ़ाई करनी है करियर बनाना है वगैरह वगैरह, इस ये एक हमारा प्रोत्साहन हो सकता है और इसमें ये दोनों प्रकार के भाव आलस्य का भाव और कर्मठता का भाव हम देख सकते हैं कि हमारे में आते हैं। लेकिन अगर हम इसे धम्मा की नज़रिए से देखें तो हम ये भी देख सकते हैं कि क्या केवल मैं जो आजीविका कमा रहा हूँ वो मेरे ही मेरे और अपने परिवार के काम आए, या मैं इस तरह से भी इसको अप्रोच कर सकता हूँ कि ये मेरे भी काम आए और लोगों के भी काम आए। तो इसमें जो दूसरों के लिए सोचने का भाव भी इस आजीविका वाले सवाल में हम ला सकते हैं। और जहाँ तक धम्मा का सवाल है हम हो सकता है कि हम कई चीज़ें अब समझने लगे हों लेकिन वो हम अभी प्रैक्टिस में पूरी तरह से नहीं ला पाते और उसका जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं बन पाता है, उसकी जो अर्जेंसी है वो बहुत ज़्यादा हमारे में नहीं बन पाती है, ये हो सकता है। तो इसको लेते हुए फिर उन्होंने काफ़ी 3-4 अलग अलग पॉइंट्स रखे कि ये जो अर्जेंसी है जो मन में एक भाव है कि मैं इस तरह से प्रैक्टिस करूं या धम्मा को इस तरह से जीवन में लाऊं, और जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि कुशन पे बैठ के जो मैं ध्यान करता हूं पर जो धम्मा का एक ब्रॉड समझ है उसकी बात कर रहे हैं। तो एक उन्होंने पॉइंट इसमें ये रखा कि हम धम्मा को दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो कि जो पर्यत्ति का एंगल है सारा जो उसकी इन्फॉर्मेशन है उसकी जो थियोरी है जो हमें इन्वेस्टिगेट करने में मदद करती है इसकी एक समझ, और फिर इस समझ के आधार पे मैं प्रैक्टिस किस तरह से करता हूँ। तो इसमें एक एग्जाम्पल नहीं एक पहलू ये बताते हैं कि जब इस तरह की जो आलस्य का भाव होता है वो कई बार ग्रुप में साथ में काम करने से प्रैक्टिस करने से बहुत इसमें मदद मिल सकती है क्योंकि एक अकेले व्यक्ति को जो अपनी डिफाइलमेंट्स हैं उसके खिलाफ जाना जो लाइक्स हैं उसके खिलाफ जाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन जिसका अजान ने जिक्र किया वो मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर हम ग्रुप में साथ धम्मा स्टडी करते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम जो है वो शायद कुछ आसान हो सकती है, हमारे आलस्य की भावना को
बीट करना कुछ आसान हो सकता है, और इससे मोटिवेशन भी ग्रुप में बढ़ता है एक दूसरे की सहायता से। तो एक सीधा जवाब जो था दीप्ति के सवाल का, वो शायद ये था कि जो ग्रुप प्रैक्टिस है, ग्रुप के साथ जुड़ने की बात जो है, या एक ग्रुप को बिलोंग करने की बात है, और उस ग्रुप की मदद से जो और लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी मदद से हम इस जो प्रोक्रेस्टिनेशन की डिफाइलमेंट है इसको शायद कुछ हद तक टैकल कर सकते हैं। एक और जो उन्होंने बात रखी वो ये है कि हो सकता है कि अपने पुराने अच्छे कर्मों के कारण जो आज जिन परिस्थितियों में अपने आप को पाता हूँ, वो परिस्थितियाँ काफ़ी अनुकूल हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मोर और लेस जीवन एक सुखमयी जीवन महसूस हो रहा है। तो ये भी कई बार एक कारण बन जाता है कि हमारे में धर्म के प्रैक्टिस की तरफ अर्जेंसी और संवेग नहीं बन पाता है बहुत। तो इसमें उन्होंने एक तरीका बताया रिफ्लेक्शन का कि हम जो मानव जीवन जो हमें मिला है, जो फॉर्चुनेट ह्यूमन बर्थ है, इसकी वैल्यू जो है इसके तरफ हम अपने ध्यान को लगा सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं, हम इस तरह की एक भावना बना सकते हैं कि ये मुझे बहुत मुश्किल से ऐसा मानव जीवन मिला है, तो इस जीवन में मैं धर्म की प्रैक्टिस करके अपने आप की भी मदद करूं, औरों की भी मदद करूं। और अगर परिस्थितियां अनुकूल हैं तो हम ये भी देख सकते हैं, हम इस तरह से भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अजान ने बताया कि क्या मैं इन अनुकूल परिस्थितियों में भी जो मेरी डिफाइलमेंट्स हैं, जो मेरी डेफिशिएंसीज हैं, उन पे रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, फोकस कर सकता हूँ, क्योंकि ये संभव है कि ये परिस्थितियाँ हमेशा अनुकूल नहीं रहेंगी, कंडीशंस बदलेंगी, और जब ये परिस्थितियाँ बदलें तो उनमें काफ़ी सफरिंग, काफ़ी दुख, काफ़ी डिफाइलमेंट्स मेरी आ सकती हैं, उठ सकती हैं। तो अगर मेरे मन को मैंने डेवलप नहीं किया है और इन अनुकूल परिस्थितियों में मैं सिर्फ एक तरह से आनंद उठा रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ, तो जब परिस्थितियाँ बदलेंगी, और हमें पता है कि परिस्थितियाँ हमेशा बदलेंगी, तो फिर से बहुत स्ट्रांग दुख का अनुभव उस समय पे हो सकता है। तो हम ये भी एक रिफ्लेक्शन यूज़ कर सकते हैं, और इससे भी हम प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, टालने की भावना है उसकी तरफ एक वाइज तरीके से देख सकते हैं। एक और उन्होंने जो रिफ्लेक्शन बताया वो ये है कि ना केवल इस जीवन में परिस्थितियां बदलेंगी, पर हम सब ये समझते हैं कि जो हमारी कॉस्मोलॉजी है उसके अनुसार हम समझते हैं कि हम सारे ये जो जन्म और मृत्यु का एक चक्रव्यूह है उसमें फंसे हुए हैं। तो अगर परिस्थितियाँ इस जन्म में अनुकूल हैं और इस पूरे जन्म में अनुकूल रहीं, तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगले जन्मों में ये जो अच्छी परिस्थितियां हैं, जो अच्छे कर्म के फल हैं, वो मौजूद रहेंगे। अल्टीमेटली हम सब समझते हैं कि कर्मों के फल खत्म होते हैं और बाकी कर्म संस्कार जो हैं वो भी अपना फल देते हैं। तो इसलिए ये एक और तरीका हो सकता है हम विचार करें और रिफ्लेक्ट करें कि क्या मैं अभी ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन ना करके, धर्म की प्रैक्टिस करके, अच्छे कर्म करके, जिससे कि ना केवल ये जन्म लेकिन जो मेरे फ्यूचर आगे के जन्म हैं उसमें भी परिस्थितियाँ अनुकूल रहें, उसमें भी मैं धर्म के मार्ग पर चल सकूँ, उसमें भी मैं लिबरेशन की तरफ बढ़ सकूँ, जन्म और मरण के चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कोशिश कर सकूँ। तो ये भी एक तरीका हो सकता है अर्जेंसी अराउज करने का, अपने अंदर वीर्य जागृत करने का। एक और इसमें पहलू उन्होंने बताया कि जो परसेप्शन ऑफ अनसर्टेनिटी और इम्परमनेंस, जो अनिश्चय के दो पहलू हैं, हम जो अनिश्चय का ये पहलू है कि ये समाप्त होने वाला है इसको तो समझते हैं, पर एक और इसका पहलू है कि चीज़ें जितनी ठोस हमें लगती हैं उतनी हैं नहीं एक्चुअली। तो जो परिस्थितियाँ अच्छी हैं वो इम्परमनेंट हैं और वो अनसर्टन हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ेंगी, आगे क्या होगा, हमें इसके बारे में पता नहीं है। तो हम इस जो अच्छी परिस्थितियां हैं, जो अभी समय अनुकूल है, हमारा मन धर्म की तरफ इंक्लाइंड है, इसका इस्तेमाल करें
अर्जेंसी के लिए और जब तक परिस्थितियाँ अच्छी हैं उस उन परिस्थितियों में अच्छे एक्शंस करें, होलसम कुशल कार्य करें, कुशल कर्म करें, जिससे कि हम लिबरेशन की तरफ आगे बढ़ते रहें और इस जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर निकलें। तो ये एक और रिफ्लेक्शन अनसर्टेनिटी और इम्परमनेंस का जो उसकी संज्ञा जो है वो हम जागृत कर सकते हैं, ये एक और उन्होंने बताया। तो संक्षिप्त में उन्होंने कहा कि हम दोनों तरीके से जो जो टाल मटोल की भावना है उस पर दोनों तरीके से दो तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं। एक तो कि भाई मेरा पोटेंशियल क्या है इस जन्म को यूज़ करने का, मैं किस तरह से सबसे अच्छा यूज़ कर सकता हूँ, जो मुझे धर्म के बारे में जानकारी मिली है, जो मैं इस मार्ग पे आया हूँ, इसका मैं सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या कर सकता हूँ, और हम जो एक आलस्य का जीवन है उसके जो ड्रॉबैक्स हैं उस पर भी फोकस कर सकते हैं कि यदि मैं इसी तरह से करता रहा तो इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। तो दोनों एंगल से हम फोकस कर सकते हैं। मुख्य रूप से मुझे ये लगा कि वो एक्चुअली हमें रिफ्लेक्शन के लिए कह रहे थे। जो दीप्ति ने सवाल पूछा उसका मेन जो जो तरीका है वो कोई जादू की छड़ी नहीं है, पर अपने खुद के मन में ये एक 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 रिफ्लेक्शन की भावना, एक प्रतिवेदन की भावना, एक विमांसा की भावना के माध्यम से हम प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने मिस कर दी जो उन्होंने पहले कही थी, वो ये भी थी कि हमें इसको इस तरह से अप्रोच नहीं करना चाहिए कि मेरे में ये कमी है, जो मैं और मेरे का भाव है ना, कि ये ठीक नहीं है, मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ, मैं हमेशा पोस्टपोन करती रहती हूँ। बल्कि जो कल उन्होंने जिक्र किया था, मेरे ख्याल से लीना का सवाल था, कि मैं अपने आप को पहले समझूं, अतन्यता का जो भाव जो कई बार सूत्र में भी आता है, कि मैं अपने आप को समझूं, अपने मन को समझूं, और अभी मन की स्थिति मेरी बाय एंड लार्ज क्या है उसको समझते हुए वहाँ से फिर मुझे क्या प्रैक्टिस करनी है, इस एफर्मेटिव भाव से मैं उस इसकी तरफ आऊँ, बजाय इसके कि एक एक नकारात्मक भाव से आऊँ जिसमें कि मैं और मेरे की भावना बहुत स्ट्रांग होती है कि मैं हमेशा पोस्टपोन करता हूँ, करती हूँ, या मेरे में ये खामियाँ हैं वगैरह वगैरह। सो ये एक बात उन्होंने पहले भी की थी जो मैंने मिस कर दी थी अभी बताते हुए। फिर उन्होंने एक बीच में उन्होंने ये भी एग्जांपल दिया कि हम जो हिस्टोरिकल बुद्धा थे उनको भी एक मॉडल मान सकते हैं, कि देखिए उनकी कमिटमेंट कितनी स्ट्रांग थी इस गोल की तरफ के कई जन्मों तक उन्होंने उन पारमियों को बनाया, और इस तरह से बनाया कि ना केवल उनका लाभ हुआ पर और बहुत सारे लोगों का लाभ हुआ। तो ये भी एक तरीका हो सकता है रिफ्लेक्शन का, टाल मटोल की भावना को बीट करने के लिए। तीन आखिर में तीन बिंदु बताए थे अजान ने। एक ये चीज़ थी, मेरे ख्याल से इस पॉइंट पे वो काफ़ी अपने एनालिसिस को ब्रॉड कर दिया उन्होंने, इस सवाल से काफ़ी ब्रॉडन कर दिया। वो ये था कि मेरे में अगर ये भी भावना है कि मैं और लोगों की मदद करूं, जो दुनिया में, वर्ल्ड में, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करूं, वो बहुत अच्छी भावना है, वो हमें उस तरफ हम काम करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ ये रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी साथ में रखना है कि मैं दुनिया को तो बदलने चला हूँ, बहुत अच्छी बात है, पर क्या मैं अपने अंदर भी झांक के देख पा रहा हूँ कि क्या मेरे जो मन का बेस है, जो मेरी फाउंडेशन है, उसको भी मैं साथ साथ प्योरीफाई करता चल रहा हूँ, उसमें जो डिफाइलमेंट्स हैं उसको भी मैं साफ करता चल रहा हूँ। तो ये दोनों भावनाएं साथ चलना बहुत ज़रूरी है। एक तो एक्सटर्नल जो स्थितियां हैं सोसाइटी की, उनको सुधारने की, उनको हेल्प, दूसरों को हेल्प करने की, टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, जैसा आजान ने बताया, और साथ ही साथ अपने अंदर जो अंदर का अंतर मन है, जो अंदर का मन है उसको भी साथ साथ साफ करते चलें, उसमें भी जो ब्रह्म विहार हैं वो आते चलें। तो ये दोनों चीज़ें साथ रखने की उन्होंने काफ़ी अंडरलाइन किया इस बात पे। दूसरा जो आखिर में उन्होंने बिंदु बताया वो कृतज्ञता का उन्होंने बताया कि अगर मेरी परिस्थितियाँ अच्छी हैं या जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, मैं ये याद रखूँ कि ये परिस्थितियाँ सिर्फ मेरे कारण नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बहुत ग्रेट कर दिया जिस वजह से मेरी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं,
सबसे पहले उन्होंने पेरेंट्स की बात की, माता पिता, फ्रेंड्स, टीचर्स, इतने सारे लोग जो किसी न किसी तरीके से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से मैं आज अगर अनुकूल परिस्थितियों में हूँ या जिन भी परिस्थितियों में हूँ, वो कई सारे लोगों के वजह से है जिनके बारे में मुझे पता है, कईयों के बारे में मुझे ना भी पता हो। तो अगर कृतज्ञता हम जीवन में नहीं लाते हैं, अगर हम कृतज्ञता का भाव से जीवन को नहीं देखते हैं, तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हो सकती है और लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड विल कम बैक ऑन अस। ये एक उन्होंने सेंटेंस दिया था। तो संक्षिप्त में, अच्छी परिस्थितियाँ पास्ट गुड पिछले अच्छे कर्मों के कारण हैं, और जो हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं जिनको हम जानते हैं नहीं जानते हैं, उन सब के योगदान से ये परिस्थितियाँ आज हमें मिली हैं। और आखिरी पॉइंट जो उन्होंने किया अजान ने, वो लाइक्स और डिसलाइक्स का पॉइंट था, कि जो प्रोक्रेस्टिनेट, जो टाल मटोल, जो टालने की भावना है, उसको मैं इस तरह से भी देख सकता हूँ कि मन हमेशा लाइक्स और डिसलाइक्स की तरफ जाता है। जो चीज़ें मुझे पसंद हैं उनको मैं करूँ, उनको करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, उनको मैं फुर्ती से कर पाता है या कर पाती हूँ, उनको करने में कोई रेजिस्टेंस नहीं आती है, और जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है उनके लिए मैं हमेशा कोई ना कोई बहाने, एक्सक्यूजेज ढूंढ पाती हूँ। तो इसमें अजान ने एक वाइज पर्सन एक समझदार व्यक्ति और एक नासमझ की का एग्जांपल दिया, और इस तरह से बताया कि जो नासमझ होता है, वो जो चीज़ें उसको पसंद आती हैं, जो प्लेजेंट चीज़ें होती हैं, जो उसके जो मन को भाती हैं, उनको तो आराम से करेंगे, उनको हम उनके तरफ बढ़ेंगे, जो प्लेजरेबल चीज़ें उनकी तरफ हम बढ़ेंगे, और जो डिसएग्रीएबल हैं, जो किसी तरह से मन में नहीं बहुत फिट होती, बहुत भाती नहीं है, उनको हम खास टालते हैं। तो हम इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि क्या मुझे एक समझदार व्यक्ति की तरह आगे बढ़ना है, क्या मैं एक एडल्ट और चाइल्ड की भी उन्होंने बात की, कि क्या मैं एक बच्चे की तरह बिहेव करना चाहता हूँ या करता हूँ, या मैं मन की जो भावना है इसको एक ऐसे देख सकता हूँ कि ये बिल्कुल बचपने वाली बात है, कि केवल जो चीज़ें पसंद हैं उन्हीं को हम करें, उनकी तरफ तो हमें एनर्जी हो, उनकी तरफ हम आकर्षित हों, और वो चीज़ें जो हमें नहीं पसंद हैं, वो ऐसी परिस्थितियाँ जो हमें ठीक नहीं लगती, उनसे तो हम दूर भागें। तो बिल्कुल ये एक बचपने वाली बात की तरह से हम समझ सकते हैं, बल्कि जबकि जो एडल्ट होता है, जो एक मैच्योर व्यक्ति होता है, वो इस चीज़ को समझता है पहले की। सबसे बड़ी बात इसमें समझ की है कि एक्चुअली मेरा जो मकसद है, चाहे वो जीवन का इमीडिएट मकसद हो इन टर्म्स ऑफ लाइवलीहुड्स वगैरह, या जो मेरा अल्टीमेट मकसद इन टर्म्स ऑफ धम्मा हो, उसके अनुसार क्या चीज़ें मुझे करनी आवश्यक हैं, और मैं इस तरह से रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि देखिए, मन स्वाभाविक रूप से तो कुछ चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहा है, पर ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आकर्षित हो रहा है तो मैं उसी दिशा में जाऊँ। और इसी तरह से यदि मन कुछ चीज़ों को नहीं करना चाहता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे दूर भागना चाहता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उस मन की वो जो इंक्लिनेशन है उसको फॉलो करूँ। और इसमें उन्होंने एग्जाम्पल फूड और रेस्ट का दिया, खाने की तरफ जो हमारा आकर्षण होता है, या जो बहुत ज़्यादा आलस्य की भावना, आराम की भावना, नींद की भावना होती है, तो हमें जितना ज़रूरी है खाना या जितना आराम ज़रूरी है उतना तो हम करें, पर हम ये भी रिफ्लेक्ट करें, ये भी देखें कि जो मन बार बार कहता है कि और खा लो, बहुत मज़ेदार चीज़ है ये, कचौरी और खा लो, या और थोड़ा सो लो थोड़ी देर, ये जो बिल्कुल एक इन अ वे जो बच्चों की तरह जो मन हमारा बिहेव करता है, इसके हम अगेंस्ट जा सकते हैं, इसको हम चैलेंज कर सकते हैं। और अजान बता रहे थे कि ये इससे हमारी कैरेक्टर बिल्ड होती है, हम अंदर से स्ट्रांग बनते हैं, और ताकि जब भी जीवन में स्थितियां बदलती हैं, मुश्किल स्थितियां आती हैं, तो उनको हम बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। तो संक्षिप्त में ये था आज सुबह का जो अजान ने बताया, और कल लीना ने जो सवाल पूछा था उसको मैंने थोड़ा बहुत टच किया, कि मेनली अजान मेरे ख्याल से यही कह रहे थे कि हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं, जो हम धम्म की बात करते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो अपने आप को समझने की बात है, जिसको मेरे ख्याल से पाली में जो अतन्युता जो शब्द है, और अतन्युता के आधार पर अपने मन को समझ के, कि मेरे मन की फॉर एग्ज़ाम्पल दिशा ये है, मेरे मन की जो इंक्लिनेशन है वो इस प्रकार की है, उस प्रकार से फिर हम अपनी प्रैक्टिसेस चूज करें। और वो ये भी बता रहे थे कि उसमें हमें
आइडियलिज्म की तरफ तरह जाने की ज़रूरत नहीं है। आइडियलिज्म की तरफ के तरीके से हमें अपने प्रैक्टिस को देखना शायद बहुत उपयोगी नहीं रहता है। आइडियलिज्म मतलब जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि बुद्ध बताते थे कि हमें पूरी तरह से डिफाइलमेंट्स को ख़त्म कर देना, हाँ सही बात है, वो एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि आज मेरे मन की स्थिति बाय एंड लार्ज इस प्रकार की है, तो इस स्थिति से मैं अगले कदम तक कैसे जा सकता हूँ। सो जैसे जैसे मुझे समझ आई जो उन्होंने कल बताया, वो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है अपने मन के साथ, बजाय इसके कि अपने मन के साथ हम बिल्कुल भिड़ जाएं और एक 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 लड़ाई वाली अप्रोच ले लें कि मुझे ऐसे करना है, मेरा मुझे ये चीज़ें बदल देनी हैं अपनी वगैरह वगैरह। बिकॉज आई थिंक दैट वाज हर क्वेश्चन कि हम प्रैक्टिस किस तरह से करें। तो काफ़ी उन्होंने फोकस इस बात पे कल किया था, मुझे याद आया, तो मुझे लगा उसको भी ज़रा